बड़े वीरो मंच के सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गो मेरे वीरो मेरे भैनों मेरे बच्चियो मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसी मैनू इत्थे आउण दा फिर मौका दिता जिन्हां ने प्रबंध किया उन्हां दा भी धन्नवाद और जो तुसी सुन आए हो थोड़ा भी धन्नवाद। मैं बैठ के इस करके बोल रहा क्योंकि सवेरे मैं 4:30 घंटे गड्डी चला गया और फिर 4:30 घंटे वापस जाना है और मैं अपनी सेहत का इस करके ख्याल रखता है कि गुरु नानक सिंह ने इस धरती ते फिर वापस कदे नहीं आना। असी एक बार ही आउंदे आ चले जांदे आ फिर कदे वापस नहीं आउंदे। तां इह जिंदगी बहुत कीमती है साडे वास्ते, खास करके बहुजन समाज च उहनां लोकां वास्ते इह जिंदगी बहुत कीमती है जिन्हां ने अपने लोकां वास्ते संघर्ष करना होंदा है। और मेरे वीरो मेरे भैणों मैं बहुत महत्वपूर्ण गल्लां तुहाडे नाल साझियां करनियां। मैं तुहाडे नाल तुहाडे इतिहास का जिक्र करना है। तुसीं अपनी जो पीड़ा भी अपने लोकां च कहिंदे हो और जो मकसद तुसीं अपना अपने समाज के सामने रखते हो उदे पिछे बहुत वड्डा एक इतिहास पिया। तुसी की हो तुसी की सी और ये बदल किवें गया ते बाकी बदल वाला रह की गया। अगर तुसी अपना इतिहास नहीं जानते तो तुसी कुछ नहीं कर सकोगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक गल कही कि ब्राह्मण जिस दिन का इस देश च आया उहदे जवाकां तक नूं उहदियां औरतां तक नूं उहनां दा इतिहास याद है। सुन लै भाई बाबा साहब दीआं लाइनां इह कि बाबा साहब इह कहिंदे आ कि जिस दिन का ब्राह्मण आरिया इस देश च आया उस दिन तो बाद उहने की कीता ते इस देश का की बणिया उहदा सारा इतिहास उदे बच्चियां तक नूं याद है। फिर वो दूजी गल कहिंदे आ कि मेरा समाज जिहड़ा इस देश का मालक है और जिहड़ा मालकां तो गुलाम हो गया इन्हां दे बच्चियां नूं छड्डो इन्हां दे बाप नूं अपने बाप का इतिहास नहीं पता। जिस कौम की तुसी सिरजना करना चाहते हो जिस समाज नूं तुसी बनाउणा चाहते हो जिस मंजिल तक तुसी पहुंचना चाहते हो और जिन्हां तरीकियां नाल तुसी अपने दुखां नूं खत्म करना चाहते हो अगर थानूं यह नहीं पता कि तुसी अज इत्थे तक किवें आ गए अगर थानू यह नहीं पता कि थानू बोलन का हक किवें मिल गया अगर तुसी नहीं जानते कि तुसी गलियां च किवें निकलन लग गए अगर तुसी यह नहीं जानते कि तुसी घर घर किवें बना ले अगर तुसी यह नहीं जानते कि साडियां मामा तीयां बच्चियां कपड़े किवें पाउण लग गईआं अगर तुसी यह नहीं जानते कि थोड़े नावां ते रजिस्ट्रियां किवें होण लग गईआं अगर तुसी यह नहीं जानते कि तुसी स्कूल कॉलेज ते यूनिवर्सिटी किवें चले गए तो फिर तुसी कुछ नहीं बना सकोगे। तुसी सुपने लै सकते हो तुसी सुपने लै सकते हो
सुपने लेना कोई औखी बात नहीं है, सब तो सौखा है सुपने लेना, और सब तो औखा है सुपनिया नूं पूरे करना। अगर मैं थोड़े को आया तो मैं थोनू ये दसन वास्ते आया कि बाबा साहब ने सुपना लिया, साडे पुरखियां ने सुपने ले, फिर वो जिंदगी पर लड़ते रहे, जिन्ने सुपने उन्होंने पूरे करने से वो करके चले गए, साडियां झोलियां भर के चले गए, जानवरां नूं बंदिया अर्गे बना के चले गए, भुखिया नंगिया कंगाला नूं परौंठे दे के दही नाल टुक दे के चले गए, जिन्हां नूं कोई गधे ते नहीं बहण दिंदा सी उह कारां ते चढ़ गए, पर उन्हां नूं नहीं पता कि यह अदल बदल किवें हो गया। मैं थानू भी यही कहना चाहुंदा, मैं अपनियां भैणां नूं अपने भरावां नूं इहदे बच्चे जिहड़े कॉलेजां यूनिवर्सिटियां च पढ़ते आ, मैं इन्हां नूं यह कहना चाहुंदा हाँ कि अगर तुसीं दिल्ली जाना चाहुंदे हो, अगर तुसीं संसद तक पहुंचना चाहुंदे हो, अगर तुसीं चाहुंदे हो कि इस देश का थोड़ा खुसिया होया राज जिहड़ा ब्राह्मण 3000 साल तो कब्जा करके बैठा है वो थोड़े हत्थां च आ जाए तो थोनू अपना इतिहास जानना पड़ेगा। तुसीं अनपढ़ हो या पढ़े हो, इतिहास तो थोनू जानना होगा। तुसीं कहोगे अनपढ़ की जरूरत नहीं है तो की अनपढ़ मूर्ख रहे जिंदगी भर, कोई कहे कि पढ़िया लिखिया नूं डॉक्टरी कर गया नूं इंजीनियरी कर गया नूं आईएएस कर गया नूं इतिहास की की जरूरत है, तो तुसीं की सोचते हो कि एक आईएएस मूर्ख का मूर्ख रहे, और वो मूर्ख लोग जिहड़े सोचते हैं कि खा लिया पी लिया पहन लिया सौ लिया कमा लिया खा लिया पी लिया सौ लिया और जिंदगी निकल जाए, जिहड़े ये सोचते हैं वो लोग सुपने लेना बंद कर दो कि तुसीं या थोड़ा समाज कदे बदल जाएगा और तुसीं कदे इस देश के हाकम दोबारा बन जाओगे, ये सुपने लेना छड़ दो। मेरिया गल्लां वल पूरा ध्यान देना है कि अज मैं थानू थोड़ा इतिहास समझाना है, और इतिहास समझाउण तो पहला मैं एक घटना याद कर रहा, जिन्ने इत्थे पढ़े लिखे बैठे आ इन्हां चों 99% नूं इस घटना का कोई पता नहीं है, असीं पढ़े जरूर हैं, जिंदगी किवें बदल गई ये साडे वस दा रोग नहीं, ये जीवन किवें बदल गया, गधियां ते झूठे लैण वाले कारां ते किवें चढ़ गए, अगर तुहानूं इहदा नहीं पता तां तुसीं इस समाज नूं नहीं बदल सकते, तुसीं समाज दी सत्ता नूं नहीं बदल सकते, तुसी रोहत नूं मरन तो नहीं बचा सकते, तुसी अपनी धी भैण नूं बलात्कार तो नहीं बचा सकते, और तुसी अपने बच्चों नूं कलाड़ियां दे विच गन्नियां वांग पीड़ी दे उन्हां नूं नहीं बचा सकते, तुसी अपनियां कुड़ियां नूं बलात्कार होण तो बाद मरन तो बाद रुखां नाल टंगे जाण तो नहीं बचा सकते। अगर थानू समझ नहीं आएगी कि वापरदा किवें है और तुसी यही सोचते रहोगे कि जो लिखा है रब ने लिखा है, जो असी भोग रहे हैं ये परमात्मा ने लिखा है, तो मैं ये गल कहनी चाहूंगा कि जेड़ा सानू बलात्कार करवाउंदा है, जेड़ा साड़ियां धीआं घरों उठवा दिंदा है, जेड़ा रोहत नूं मरन लई मजबूर कर दिंदा है,
और जेड़ा सानू गलियां च नहीं निकल दिंदा, जेड़ा हजारा साल साड़ी मां नू कपड़े तक नहीं पाउण दिंदा, जेड़ा सानू घर काड़ दे विच बैठण तक नहीं दिंदा, जेड़ा सानू झूठ कहण लई मजबूर करता है, जेड़ा देश भर विच सानू सीवर दा पानी पीण लई मजबूर करता है, ਇਹ ਜੇ ਭੜੂਏ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਐਸੇ ਭੜੂਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? तो मैं आपको हिंदी दिमाग च आ गई तो मैं थोनों दसना चाहता हाँ कि 1922 की घटना है। कितने साल हो गए प्रिंसिपल साहब? 1922 की घटना है। लगभग 90 साल मान के चलो, 90 साल पहला दुनिया का सब तो वध पढ़िया लिखिया आदमी बॉम्बे दे विच अपनी बस्ती चाहता है। नोट करना इस बात कि 90 वर्ष पहला संसार का सब तो ज्यादा पढ़िया मनुख, मैं की कह रहा याद करना है कि संसार का सब तो वध पढ़िया मनुख 90 साल पहला अपनिया अपनिया झुग्गियां झोंपड़ियां च वापस आता है। कौन आता है? कुछ लोगों नूं समझ लग गई, कुछ नूं समझाया, और वो अपने कुछ मित्रां नूं इह कहिंदा है कि जाओ अपने लोगों नूं कहो कि तुहाडा एक पढ़िया लिखिया आदमी तुहानूं मिलना चाहुंदा है, कि जाओ अपने लोगों नूं कहो कि एक पढ़िया लिखिया आदमी थोनू मिलना चाहता है। एक साथ दे विच छोटा जा चगान गलिया सड़िया चगान उदे च जाओ प्रबंध करो। सवेरे प्रबंध होना शुरू होंदा है, एक घंटा लंघिया, दो लंघ गए, तीन लंघ गए, चार लंघ गए, पांच लंघ गए, जदों 3-4 बज गए और सुनेहा यही मिलता रहा कि कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, तद बाबा साहब हुण गल समझ लगी भाई, तो दुनिया का सब तो पढ़िया मनुख बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस जगह ते जाता है, दुनिया का सब तो पढ़िया मनुख। ये मेरी बात ध्यान नाल सुननी है, थोड़े दिमाग च बजनी चाहिए है कि दुनिया का संसार का सब तो वध पढ़िया मनुख दुनिया भर दी डिग्रिया का ट्रंक भर के आया मनुख है, वह अपनी बस्ती च जाता है, लोगों को बुलाता है, लोग नहीं आते फिर खुद चला जाता है कि शायद मैनू वेख के आ जा। बाबा साहब जानते हैं या तो वह लोग बैठे है 2-4 जिन्हां नूं प्रबंध करन वास्ते कहा गया या फिर 2-4 कुत्ते 5-4 कुत्ते इधर उधर घूम रहे हैं। बाबा साहब की वेखते हैं कि पूरी गली च गंदी गली दे विच गंदगी नाल सड़ियां नाल भरी गली दे विच औरतां बैठियां जुआं कढ रहियां, सब दे कपड़े पाटे हुए है, अखां मुरझाइयां होईयां है, ये शरीर जानवरां तो भी बुरा है और बच्चे सूरां दी तरह लिपड़े हुए है, सूरां दी तरह लिपड़े है, कोई नहाता नहीं है, किसे दे मूंह नहीं धोता होया, मन मन मैल चढ़ी है उन्हां दे पैरां ते, नक वगदे है, मक्खियां पिड़क रही है और दूर चारों तरफ
जेड़े लोग बुलाए गए नहीं आए वो ताश कुट रहे हैं, हुक्की पी रहे हैं, ते हे हे कर रहे हैं। ये 1922 की घटना, 90 साल पहला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया का सब तो वध पढ़िया मनुख अपने घर चाहता है, लोगों नु बुलाउंदा है, उन्होंने कोई लेना देना नहीं है कि संसार का सब तो सियाना मनुख इस बस्ती च जमया मनुख साडे सामने बैठा, कोई परवाह नहीं है, ना बच्चों नु परवाह है, ना औरतों नु परवाह है, ना बंदियों नु परवाह है कि कौन आया, कौन जानवर आया, कौन चला गया, कोई फर्क नहीं पैदा। यह घटना किसने लिखी है? इतना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखा है। थोड़ी कहानी इतों शुरू होती है। मैं थोनू इस करके कहानी सुनाई है कि मेरे छोटे वीरो बड़े वीरो मेरी भैनों बच्चियो थोड़ी कहानी इतों शुरू होती है। गलियां सड़िया बस्तियां दे लोग बिना चज दे कपड़ियां तो औरतां सूरां वांग गलियां च लिटदे बच्चे किसे दा मूंह नहीं धोता किसे दी गिड़ नहीं धोती किसे दा नक वगदा है मन मन मक्खियां भिणक रहियां चौंपड़ियां दे विचों निकलदे है ताश कुटदे है झूठ खांदे है और फिर सौ जांदे है। ये कहानी किसकी है? ये थोड़ी कहानी है। 90 साल पहला ये जिन्ने तुसी बैठे हो बड़े बड़े आदमी क्यों भाई ये प्रोफेसर बैठे है इतने डायरेक्टर बैठे है PNB दे ये साढ़े बच्चे डायरेक्टर डॉक्टरेट कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी और मैं वो आदमी हाँ जिन्हें 1974 अज तो पूरे 42 साल पहले याद रखो 1974 दे विच अज तो पूरे 42 साल पहला मैं पटियाला यूनिवर्सिटी ते पंजाब यूनिवर्सिटी तो 2 MA पास कर गया। एक पासे बाबा साहब एक पासे बाबा साहब जिन मिलन कोई नहीं आया। ये हुक्कियां बीड़ियां पीने लोग ये नंग मंग लंग दे कंगाल लोग ये गलियां नालियां च सूरां वांग लिटदे बच्चे रत नंगियां औरतां जुआं नाल भरियां औरतां ये 90 साल पहला दी कहानी है और अज दी कहानी है कि मैं बैठा हाँ ये बैठे है डायरेक्टर बैठे है प्रिंसीपल बैठे है लैक्चरर बैठे है थोड़े च पता नहीं कौन कौन बैठा मेरी बात समझ आ रही थी। ये 90 साल की कहानी उल्ट गई पूरी और तुसी जिन्ने मेरे सामने बैठे हो जिन्ने तुसी पढ़े हो और जिन्ने नौकरी ते लगे हो मैं थोड़ी कहानी बाबा साहब तो बाद दूसरी कहानी सुनाना चाहना है कि अज तो 50 साल पहला असी जानवर लोग सी ते 50 साल पहला साड़ियां छकलां बदलनियां शुरू हो गई। ये कपड़े ये कारां ये मोटरसाइकिल ये जीन दियां पेंटां ये थोड़े पैरां च पाए 500-1000 दे बूट ये थोड़ियां टूटियां वालियां पग्गां ये थोड़ियां क्रीजां वालियां पेंटां और ये थोड़े 2000 दे सूट ये सिर्फ 55 साल पहला दी कहानी है। 55 साल पहला सड़ियां गलियां बस्तियां दे लोक उन्हां दियां छकलां बदलनियां शुरू और आज तक साड़ियां छकलां बदल दिया रहियां साडे चेहरे जिहड़े जानवरां दी तरह
सड़े गले चेहरे सी वो बदलने शुरू हुए, साड़ियां तौणा मोटियां होनियां शुरू हुईयां। असी दही नाल टुक खाण लगे, परौंठे खाण लगे, मुर्गे खाण लगे, रेस्टोक्रेट दियां बोतलां पीण लगे, दाल सब्जी खाण लगे और ब्याहां च जाके कुखां कढ़न लगे। तां इह पेट जिहड़े कदे बाहर नहीं सी दिसे, इह बाहर आउणे शुरू हो गए। गिट्टे दिसणे बंद हो गए, बंदे नूं गिट्टे दिसणे बंद हो गए। और असी कोठियां कारां बंगलियां वाले हो गए। भुखे नंगे ते कंगाल लोक 55 साल पहला जिन्हां दीआं छकलां बदलनियां शुरू होईआं, अज ओह 1-1 करोड़ दी कोठी दे मालक है, 2-2 करोड़ दी कोठी दे मालक है। परसों मेरे कोले एक साडा बच्चा आया जिहड़ा जर्मन च है, उहनें दस्सिआ कि मैं 2 करोड़ दी कोठी पा के आया हां तुहाडे कोले, 2 करोड़ दी कोठी। और मेरे बाप कोले एक कोठा सी कच्चा, एक कोठा कच्चा, उत्थे ही ओह कम करदा, उत्थे ही मां रोटियां पकाउंदी, उत्थे बकरी मूंहदी, और असी 10-12 जाने कतूरिआं वांगू उत्थे ही मंजियां चुल्लियां च सुते रहिंदे, इक कोठा। और अज मित्रों मैं अपनी कहानी नहीं कह रहा, मैं तुहानूं बदल दी कहानी कह रहा है कि अज साडे मेरे बाप दे घरे कल्ले दे 10 घरां है, कल्ले बाप दे घरे 10 घरां। ये उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा, शकलां बदल गईयां, घर बदल गए, कपड़े बदल गए, मोटरसाइकिल कारां बदल गईयां, कोठियां बदल गईयां, गलियां बदल गईयां, सड़कां बदल गईयां, नाम बदल गए, रूड़े कूड़े बड़े बड़े नाम वाले हो गए, पूछा वाले नाम है साडे, पूछा वाले सारे नाम। 55 साल च ये उल्टा पुल्टा हो गया। ते मैं ये कहना चाहुंदा है कि मेरे वीरो थोड़ियां छकलां बदलियां, अकलां नहीं बदलियां भाई। मेरी बात नूं पूरे ध्यान नाल सुनना कि छकलां बदल गईयां, खाना पीना पहनना बदल गया, घर घाट बदल गए, कोठियां बंगले बन गए, झुग्गियां चौंपड़ियां चो बाहर आ गए, छकलां बदल गईयां, अकलां नहीं बदल गया। अकलां कादे नाल बदलदियां, अकल तां इतिहास नूं जानण तों बाद बदलदियां। अरे तुसीं 1922 च जिस बंदे नूं वेखण तक नहीं आए, दुनिया दे सब तों वड्डे पढ़े लिखे मनुख नूं उहदे लोकां ने मूंह चक के नहीं देखिआ, अज ओह 2-2 करोड़ दीआं कोठियां दे मालक हो गए। और मालक होण तों बाद कोई शिवजी दे मूहरे लिटिआ होइआ, कोई हनुमान दे मूहरे लिटिआ होइआ, कोई दुर्गा दे मूहरे लिटिआ होइआ, कोई किसे होर दे मूहरे लिटिआ होइआ, कोई सच्चे पातशाह, कोई पिता बनिया होया, साडे बाप भी हो रहा है, पता नहीं किन्ने बाप आ साडे, साला जिहड़ा जमदा साडा बाप बन के बैठ जांदा है। किन्निया बाप दीआं कहानियां सुणावां तुहानूं, हर गली चो निकलो सानूं बाप मिल जांदा कोई ना कोई, और उहदी निशानी कित्थे है? तुसीं अपने घर दी बैठक च पढ़ो ना, जाके तुहाडा बाप बैठक च बैठा नजर आएगा। चाहे किसी की कोठी है, चाहे किसी का कच्चा कोठा है, उहदे बाप की तुसीं तस्वीर वेखोगे जाके, वह ज्यादा ड्रैंग रूम च लगी होएगी या फिर बैठक दे विच लगी होएगी, उह तुहाडा बाप सामने नजर आएगा। कदे गांधी बापू बन गया, कदे नेहरू चाचा हो गया, कदे पिता पातशाह आ गया, कोई कदे कोई वड्डा लंबड़दार आ गया, जे कोई नहीं आया तो शिवजी आ गया, हनुमान आ गया, गणेश आ गया, रामचंद्र आ गया, कृष्ण आ गया। मैं सोचदा थोड़े फुफड़ लगते है, कोई कोई दसेगा थोड़े फुफड़ लगते? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर थोड़े
पता नहीं किसी के घरे है भी या नहीं है। क्यों भाई? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर थोड़े घरे है या नहीं है? ज्योतिराव फूले की तस्वीर थोड़े घरे है या नहीं है? छत्रपति शाहू महाराज की तस्वीर थोड़े घरे है या नहीं है? पर हनुमान जरूर होएगा, शिवजी जरूर होएगा, दुर्गा माता जरूर होएगी, काली कलकत्ते वाली भी होएगी। तुसी जदों कोठी पाउंदे आ तां बूहे दे उत्ते काला कुज्जा एड्डी जीव कट के ला दिंदे, ओह थोड़ा बुढ़ाओ जी दी जीव कटदे आ तुसी, ओह भैरों थोड़ा बुढ़ाओ अपने बुढ़े दी एड्डी जीव कट के बूहे ते रख दिंदे आ। अंदर पूजा करदे आ हनुमान दी, अंदर पूजा करदे गणेश दी, अंदर पूजा करदे शिवजी दी, अंदर पूजा करदे आ देवी देवतियां दी, अंदर पिता पातशाह दी पूजा हुंदी है। रोज टल्लियां बजदियां है, रोज बत्तियां जगदियां है, और रोज धूफां आउंदियां है, रोज मत्थे टेकदे हो, रोज गिड़गिड़ाउंदे हो। अरे जिन्हें थोड़ियां छकलां बदलतियां, थोड़ियां झुग्गियां बदलतियां, थोड़े गधे ते कुत्ते बदलते, कारां च थोनू बिठाता, उहदी तस्वीर थोड़े कोले नहीं लभदी भाई। छकलां बदल गईयां, अकलां नहीं बदल। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 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 ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚਲੋ ਯੂਪੀ, ਚਲੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਾਰ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ? ਅਰੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੀ ਉਠਾਈ, 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਠਾਈ, 5-7 ਨੇ ਜੋ ਖੇ ਖਾਣੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ? ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਲਾੜੀ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਕਲ ਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ।
जिन्हों पौन नू मिल गया वह मलंगा नू नहीं वेखता, जिन्हों खान नू वेख गया मिल गया वह भुखिया नू नहीं वेखता, ते जिन्हें घर पालिया पक्का कोठी पाली बंगला पालिया वह झुग्गियां वल नहीं देखता, ते जिदे थले हजार हजार दो दो हजार पांच पांच हजार दे गद्दे है और जिदे उत्ते राजियां वाला कंबल लिया होया है, जिदे उत्ते कंबल पाया होया है वो नहीं देखता कि चौंपड़ी च साडा आदमी साडी औरत ते साडे बच्चे कुत्तियां दे तरह चीक रहे हैं, कोई नहीं देखता।